रही थी, तगड़ी उन्होंने लड़ाई रही। क्या इस पूरे प्रकरण से आहत हैं? एक बात मान लीजिए, मुझे 50 साल हो गए राजनीति में और हमले, हर प्रकार के हमले मेरे पर हुए हैं, ना मैं उससे कभी विचलित होता और ना मेरा जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़ने का लक्ष्य है उससे मैं अलग रहता। श्री कमलनाथ जी और सोनिया जी पर छोड़ता हूं, हर पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासनहीनता कोई भी करे, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज मुझे बस इतना ही कहना था, आज अगर मेरे ऊपर ये सब प्रमाणित होते तो क्या मैं इतने खुलकर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर पाता? पर मंत्रियों क्या मजबूरी है, बीजेपी की भाषा बोलते हैं वो जी? मंत्री जो है बीजेपी, आप उनसे पूछिए। सर, आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था, आप समन्वय कर रहे थे, कहाँ कमी रह गई सर समन्वय में? वो कमेटी जो थी चुनाव तक थी, उसके बाद आप उसकी बात बनाएंगे, मैं फिर समन्वय कर लूंगा। सर, उमंगो सर, ये कड़वी चाय मीठी चाय से इतर एक सवाल सर, कि उमंग सिंघार से आप मुलाकात के लिए जाएंगे यहाँ या नहीं? मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.